गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्स्टेलेशंस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारी लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइट ईयर। डेफिनेशन वाइज व्हाट इज लाइट ईयर? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट पर ईयर और वन ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। कैलकुलेशंस करके भी बताया था, इसी के हिसाब से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। मैंने ये जो कैलकुलेशन किया था 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर अप्रोक्स कंसिडर किया गया है, क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट पर सेकेंड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशंस होता क्या है, उससे पहले सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को देखते हैं, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलरली वे में प्रॉपरली अरेंज या पर्टिकुलरली अरेंज्ड ग्रुप में, जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हम जब एक कॉन्स्टेलेशंस को देखते हैं, जनरली हम हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी में हमारे जो कॉन्स्टेलेशंस है हम उसका नाम देते हैं या बोलते हैं उसको सप्तर्षि मंडल, जो हमारी नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको हम पहचानते कैसे हैं ना, उसका एक पर्टिकुलरली एक शेप होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स तो रहेगा लेकिन अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर शेप, ए डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ कॉन्स्टेलेशंस का, व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर पैटर्न और शेप व्हिच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशंस। ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर पैटर्न व्हिच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, जिसको हम आराम से या आसानी से पहचान सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, मैंने कहा हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हम जनरली जो नॉर्दर्न स्काई में जो हमारी कॉन्स्टेलेशंस दिखता है उसको हम उर्सा मेजर बोलते हैं, उर्सा मेजर या द ग्रेट बियर भी बोलते हैं, या इन हिंदी हम इसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। मीन्स इसका जो नेमिंग है 7 ऋषियों के अकॉर्डिंग गया है, इसीलिए हम इसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। शेप उसका बियर की तरह होता है, इसीलिए हम इसको उर्सा मेजर या द ग्रेट बियर भी बोलते हैं। आपकी बुक में उसका डायग्राम अच्छी तरह से मेंशन करवाया गया है। ठीक है, इट्स शेप जस्ट लुक लाइक एन बियर, लुक लाइक ए बियर एंड इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट बियर और उर्सा मेजर। ठीक है, इट इज़ विजिबल इन नॉर्दर्न स्काई। समझ में आया? 10% यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड द बिग डिपर। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग हैंडल्ड स्पून, चम्मच की तरह दिखता है, और डिपर जिसको हम बिग डिपर बोलते हैं। इसकी हेड पोर्शन में 2 पॉइंटर्स है, विच इज पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार। ये पोल स्टार के ऊपर मतलब उसकी तरफ से डायरेक्टली वो पोजिशन रही है, सिचुएटेड है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं द नॉर्थ स्टार और द पोलारिस बोलते हैं। व्हाट इज पोलारिस? द पोल स्टार विच इज अबव द 2 पॉइंटर्स। ठीक है, ऐसा पोल स्टार जो 2 पॉइंटर्स के ऊपर है उसको हम बोलते थे पोलारिस और द नॉर्थ स्टार। समझ में आया? तो ये था जो हमारी कॉन्स्टेलेशंस। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सप्तर्षि मंडल या जिसको हम उर्सा मेजर ग्रेट बियर बोलते हैं, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस है। जैसे आपका एग्जांपल है सिग्नस है, कैसोपिया है, कैप्रिकॉन्स है, उर्सा मेजर है, स्कॉर्पियंस है, लीरा है, ये कुछ एग्जांपल्स है अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस का। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपको, कैप्रिकॉनस, लीरा, एल वाई आर एस सिग्नस, स्कॉर्पियस, कैसोपिया, ये सब डिफरेंट टाइप्स का है कॉन्स्टेलेशंस जो विजिबल होता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट जिसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इजीली, इट इज द सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल और द ग्रेट बियर बोलते हैं, द ग्रेट बियर। समझ में आया? क्यों ना, इट लुक्स लाइक ए बियर, बियर की तरह देखते हैं इसीलिए।
ठीक है। आपको कैसोपिया देखते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टेलेशन, इसको बोलते हैं कैसोपिया। इसको देखते हैं ना ऐसा लगता है जैसे कि चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो सबकी अलग अलग पैटर्न्स है। उर्सा लियो एक लॉयर की तरह, उर्सा लियो भी है, उर्सा लियो देखने में भी एक लॉयर की तरह लगता है। तो ये कुछ उसका पर्टिकुलर पैटर्न है या जो जिसको देख के ना हम इजीली उसको पहचान सकते हैं, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। समझ में आया कॉन्स्टेलेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर पैटर्न और इन ए पर्टिकुलर फिगर विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं द कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। देन हमारा आता है अबाउट द गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है ना, देर आर टू मेनी स्टार्स, आसमान में हम देखते हैं ना बहुत सारा स्टार्स। ये क्या है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर पैटर्न विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज। कॉन्स्टेलेशन से गैलेक्सी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। गैलेक्सी क्या है, देर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ स्टार्स, सम आर अरेंज्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल आर अरेंज्ड इन बिग ग्रुप्स। कुछ तारे ऐसे हैं जो बहुत कम नंबर में, मतलब एक पर्टिकुलरली आसमान में ये नहीं कि प्रॉपरली पर्टिकुलरली डेफिनेट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स यहाँ पे दो यहाँ पे, ऐसा नहीं, मतलब रेंडम सिचुएशन से वहाँ पे। मीन्स कुछ स्टार्स ऐसा है जो कि बहुत स्मॉल ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और कुछ स्टार्स है जो बहुत बड़े बिग अमाउंट में वो क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स या क्लस्टर ऑफ स्टार्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। यही जो क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स है उसको हम बोलते हैं द गैलेक्सीज। बुक में भी डेफिनेशन है, देर आर इनवेबल बिग एंड स्मॉल स्टार्स इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे स्टार्स भी रहते हैं। ऑल द स्टार्स आर यूनिफॉर्मली आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्काई। जितने भी स्टार्स हैं हमारे आसमान में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे बहुत कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा अमाउंट है, जो कि एक क्लस्टर्स एक मतलब एक ग्रुप में बना के रहते हैं, ठीक है। दस द कलेक्टेड इन लार्ज और स्मॉल क्लस्टर्स, ठीक है। सच अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड द गैलेक्सी। इसी क्लस्टर ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सीज बोलते हैं। ये जो गैलेक्सीज होते हैं दिज आर सो वास्ट, इतने बड़े होते हैं, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में कवर करेंगे ना, अगर सोचेंगे स्ट्रेट लाइन में चलते जाएंगे कि कहाँ तक हमारी गैलेक्सी खत्म होता है, तो इसको हमें ख़त्म करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेगा या पता नहीं, ये भी है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा होता है हमारी जो सोलार सिस्टम है, ये हमारी मिल्की वे और अर्थ एंड दिस सन, आपका मेट्रोइड्स हो गया, हमारी जो सोलार सिस्टम है, एट प्लैनेट्स है। इट कम्स अंडर द गैलेक्सी मिल्की वे और आकाश गंगा बोलते हैं। इट इज स्पाइरल इन शेप, ठीक है। बुक में इसका डायग्राम भी है। इट इज़ द आकाश गंगा और द मिल्की वे, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बिलियन ऑफ ऐसे जो हमारी गैलेक्सी, मैंने गैलेक्सी क्या कहा, व्हाट इज गैलेक्सी, इट इज़ द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, सम क्लस्टर ऑफ स्टार्स टू स्मॉल और सम आर बिग। समझ में आया, देर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। इसी की तरह हमारी यूनिफॉर्म मिल्कवे की तरह बहुत सारा गैलेक्सीज है हमारी यूनिवर्स में, एंड ईच गैलेक्सी और जो ये जो गैलेक्सीज है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स को लेके बना हुआ है, जो कि ईच मतलब एक एक क्लस्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये स्टार्स जो है डिफरेंट वेज में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके है हमारी आसमान में। समझ में आया, तो ये हो गया हमारे गैलेक्सीज। तो कॉन्स्टेलेशंस और गैलेक्सीज में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टेलेशंस क्या है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न और पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज द विच इज इजीली रिकॉग्नाइज, जिसको हम पहचान सकते हैं। जैसे कि गांव में भी कुछ लोग होते हैं जिसको देखते हैं हाँ ये सप्तर्षि मंडल दिख रहा है, उसके शेप के अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। और गैलेक्सी क्या है ना, देर आर एनर्मस बिगर स्मॉल स्टार्स इन द विच इज प्रेजेंट इन दिस स्काइज विच आर अरेंज्ड इन ए अरेंजिंग स्मॉल और लार्ज क्लस्टर्स, ठीक है। बहुत सारे झुंड में जो स्टार्स रहते हैं क्लस्टर में अरेंज होकर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। हमारी जो सोलार सिस्टम है इट कम्स अंडर द मिल्की वे और आकाशगंगा गैलेक्सीज। तो गैलेक्सी किसको बना, किसको लेके बना हुआ है ना, बिलियंस ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, इसमें डेफिनेट पैटर्न, इसमें क्लस्टर्स, समझ में। देन हम देखेंगे अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो हमारे चैप्टर है, इट इज़ ए सिस्टम, इट इज़ ए फैमिली ऑफ सन, ठीक है। सोलर सिस्टम, सोल मीन्स सन, फैमिली सन्स फैमिली, ठीक है। हमारे जो सोलर सिस्टम है जो मेनली कंपोज है, ये हेड ऑफ द फैमिली या प्राइम मेंबर, हम इसको सन कंसिडर करते हैं। एलोंग विथ एट प्लैनेट्स विल्स रिवॉल्यूट्स अराउंड द सन, उसका पर्टिकुलर ऑर्बिट्स है, अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट्स मूव करते हैं,
इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिवोल्यूशंस, रोटेशंस अलोंग विथ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को छोड़ने के बाद आपकी मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है, प्लूटो, सीरियस वगैरह, उनको अलग कैटेगराइज किया है। दीज आर द ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये सारे सिलेस्टियल बॉडीज और हिवेनली बॉडीज आर कलेक्टिवली नोन एज द सोलर सिस्टम। सन्स का जो सेंट्रिपेटल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट में पर्टिकुलर रिवोल्यूशन पीरियड में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम क्या है? इट इज़ द सिस्टम, इट इज़ ए फैमिली ऑफ सन एलोंग विद द प्लैनेट्स, मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स एंड अदर सिलेस्टियल बॉडीज और हिवेनली बॉडीज। हिवेनली बॉडीज क्या है ना, हमारी एंशियंट हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आसमान को कंसिडर करते हैं एज ए हिवेन। हिवेन मीन्स स्वर्ग, ठीक है। तो उसमें रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि आपकी मून हो गया, सन हो गया, अदर प्लैनेट्स हो गया, सबको हम कलेक्टिवली दी हिवेनली बॉडीज बोलते हैं, समझ में है। तो सारे हिवेनली बॉडीज, ऑल दी हिवेनली बॉडीज एलोंग विद सन, प्लैनेट्स, मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स आर नोन एज द सोलर सिस्टम, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट सन। सन मैंने जब हमारे लाइट ईयर चैप्टर वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे हमने ये किया था कि सन की जो लाइट होता है ना, ये धरती तक पहुँचने के लिए 8 मिनट लगता है टाइम, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ये भी बताया था डिस्टेंस, हम लाइट ईयर को कंसिडर करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, ठीक है, 14 करोड़ 40 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो उस चीज़ को उसके एक अप्रोक्सीमेटली लिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। वो लाइट ईयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कंसिडर करके हम कैलकुलेट किए थे द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है। तो द सन क्या है? इट इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, इट इज़ द प्राइम मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन हीलियम, जिसकी वजह से ट्रेमेंडस लाइट एमिट होता है। इसलिए हम सन को द सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, शक्ति का जो रिजर्वर मीन्स जो क्रिएटर होता है एनर्जी। सनलाइट, विदाउट सनलाइट सब कुछ इम्पॉसिबल है, लाइफ भी एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, हम जिसको प्रोड्यूसर कंसिडर करते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स खाना प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हम भी एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो सारे रीजन से इट गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस सब में हेल्प करता है। तो इसीलिए सन इज द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। इट्स लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हम सन को कंसिडर करते हैं। मैंने कहा सन को छोड़ के द नियरेस्ट स्टार इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी, देखो। देन इतना बड़ा, इट्स डायमीटर इज 100 times देन द डायमीटर ऑफ अर्थ, धरती के डायमीटर से इसका डायमीटर जो है 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और इट्स वेट, इसका जो वजन है, अराउंड 3 लाख किलोमीटर मोर देन द अर्थ, 3 लाख times 3 लाख गुना ज़्यादा है हमारी जो सन की वजन धरती के वजन से, ठीक है। तो जनरली कंपोजिशंस को लिया जाए, सन की बनावट, इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है, विच प्रोड्यूस है, जो हॉट गैस से बना हुआ है, जिसकी वजह से लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है। और यही एनर्जी है जो कि लाइफ को पॉसिबल करता है, इसीलिए हम अर्थ को कंसिडर करते हैं एज ए यूनिक प्लैनेट। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन, सन के अंदर जितना मैंने कहा था, इट इज़ मेड अप ऑफ ह्यूज गैसेस, हॉट गैसेस, इज ए बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये जो गैस प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके बाद देखो मैंने कहा था द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सन या स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स हैव ओन लाइट, स्टार्स की लाइट क्रिएशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम विच आर हॉट गैसेस। इसके रिफ्लेक्शन के बाद हम अदर प्लैनेट्स को भी देख पाते हैं सनलाइट, क्योंकि अदर प्लैनेट जो है जनरली वो ओपाक्यू सब्सटेंस होता है। जब लाइट ट्रैवल करता है, ट्रैवल ऑफ लाइट मैंने क्या कहा था, इट इज़ द जो प्रोपागेशन ऑफ लाइट,
इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो जब सन्स की लाइट ट्रैवल करता है तो सामने जब अपाचे सब्सटेंस मीन्स हमारे जो प्लैनेट्स हैं रॉक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, अपाचे के सब्सटेंस की वजह से वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से हम सारे चीज़ को प्लैनेट्स वगैरह विजिबल होते हैं. ठीक है, तो मेन जो लाइट प्लैनेट की नहीं है, जो लाइट्स है वो स्टार्स की लाइट है, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हम प्लैनेट्स को ईजिली देख पाते हैं. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया अबाउट सन. ठीक है, तो सन क्या है, अगर शॉर्ट नोट्स आएगा राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट सन. हम लिखेंगे सन इट इज़ द प्राइम मेंबर या हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. इट एग्जर्ट्स द सेंट्रिपेटल फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स या व्हिच हेल्प्स टू रिवॉल्व्स अदर प्लैनेट्स अराउंड इट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स क्या है, द पाथ इन व्हिच प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द स्टार्स. स्टार्स के चारों ओर प्लैनेट्स जिस पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं हम इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर पाथ में अरेंज किया हुआ ऑर्बिट्स होते हैं. देन इट हैज ओन लाइट, उसका अपना लाइट होता है. इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस रहता है जिसकी वजह से लाइट एमिट होता है. यही लाइट जो एमिट होता है, लाइट अलोंग विथ एनर्जी इट हैव्स टू एग्जिस्ट इन अर्थ. ठीक है, इट गिव्स अस एनर्जी. और इसका साइज अर्थ से लगभग 100 टाइम्स इसका डायमीटर ज़्यादा होता है. वजन 3 लाख टाइम्स मोर है. ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट कॉन्स्टेलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न व्हिच इज इजी टू रिकॉग्नाइज. कॉन्स्टेलेशंस गैलेक्सीज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स अरेंज इन ए इनडेफिनाइट मैनर इन ए रैंडम मैनर इज कॉल्ड गैलेक्सी. सोलर सिस्टम सन along with planets, meteors, asteroids is called the solar system. Then हमने discuss किया the huge star sun which is 150 million kilometers from us. ठीक है, next period में हमने हम discuss करेंगे about the other members जैसे कि planets, meteors और asteroids के ऊपर. Thank you.